हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। यह सेट बी है, बी का अभ्यास 3 है। इस तरह के 15 से 16 सेट हैं, जिसमें से प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं। इस प्रकार के 6 से 7000 क्वेश्चंस आपके हैं, जो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आप थ्योरी सेशन पढ़े हैं अभी तक में, उससे आप इस क्वेश्चनों के माध्यम से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, सबके लिए आप मेरे चैनल पे थ्योरी वीडियोज टॉपिक वाइज दिए गए हैं, एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, ऑनलाइन क्वेश्चन, सभी प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चेक कर सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और आप अपना स्कोर चेक कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि संधियों यानी जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोलॉजी बोला जाता है, एंड हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे दो हिस्सों में बांटता है, यहाँ अक्ष नहीं होगा, प्लेन यानी कि तल होगा, तो कौन सा प्लेन जो है यानी तल जो है मानव शरीर को ऊपर नीचे दो हिस्सों में बांटता है? तो वह होता है आपका हॉरिजॉन्टल बार। अच्छा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे दो हिस्सों में बांटता है, तो वह होता है फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल तल। जैसे कि दोस्तों, जो प्लेन है, तल है, वो तीन प्रकार का है, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और जो गति होती है आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एंड दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसको क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, यह शरीर को आगे पीछे बांटता है, एंड इसमें गति दाएं बाएं होती है, यानी एबडक्शन एडक्शन। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, गति भी ऊपर नीचे, यानी सभी घूर्णी और चक्रीय गतियां होती है, और जिस बिंदु पर तीनों प्लेन मिलते हैं उसे सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है? जैसा कि आप जानते हैं, जो रुधिर का रुधिर जो होता है वो क्षारीय होता है। रुधिर कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो स्वस्थ रुधिर कैसा होगा? एक स्वस्थ व्यक्ति का क्षारीय होगा, क्योंकि रुधिर का आप देखते हैं पीएच मान कितना होता है, 7.4 से 7.43 होता है। तो 7.4 से 7.43 होता है, यानी कि यदि पीएच 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, 7 रहेगा तो उदासीन यानी न्यूट्रल रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय रहेगा। तो स्वस्थ मानव का रुधिर हमेशा क्षारीय रहेगा, अम्लीय नहीं रहेगा, अम्लीय रहेगा तो उसके लिए खराब होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, मेरुरज्जु करता है कि हाइपोथैलेमस की पिट्यूटरी की यकृत? तो दोस्तों, मानव शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सेक्स, यानी सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र को नियंत्रित करता है, और यह ताप नियंत्रण केंद्र है, और हार्मोन का भी नियंत्रण करता है, जल संतुलन का भी नियंत्रण का केंद्र है, संतुलन नियामक केंद्र है, भूख प्यास लगने का केंद्र है, तथा कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय जैसे कार्य भी करता है हाइपोथैलेमस। तो मानव शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। और थैलेमस क्या करता है दोस्तों? थैलेमस ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कराता है। नेक्स्ट है, दो द्विखंडी यानी टू डायमेंशनल चरों के मध्य सह संबंध निकालने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी है? तो यह है आपका
चतुष्कोष्टिक सहसंबंध। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना वह होती है, शून्य परिकल्पना वह होती है जो केवल द्विपुच्छ परीक्षा द्वारा परीक्षित होती है। नेक्स्ट है चरों का नियंत्रण किया जाता है, तो चरों का नियंत्रण क्षैतिज अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट है अप्राचलिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी होता है, तो अप्राचलिक परीक्षण जो है वर्णन और अनुमान के लगाने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है शब्द साहचर्य यानी वर्ड एसोसिएशन कौन सा परीक्षण है, तो यह आपका मेमोरी यानी स्मृति परीक्षण है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो 1948 लंदन ओलंपिक में सबसे पहले गाया गया। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था, तो श्री पिंगली विन काया ने मछलीपट्टनम में 14 जुलाई 1947 में बनाया था। नेक्स्ट है मीसोमॉर्फिक मध्यम गठित शरीर की विशेषता क्या है दोस्तों, जैसे कि सेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, तीन बॉडी टाइप बताए हैं जिसमें से उन्होंने बताया है कि जो एंडोमॉर्फिक है उसको गोलकाय बोला जाता है, जिसमें शरीर मोटा व कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति वाला, आराम तलब, विनोद प्रिय होता है। और दूसरा इन्होंने बताया है पेशी प्रधान संरचना यानी कि मेसोमॉर्फिक, जिसमें जिसको सुडोलकाय बोलते हैं, सोमैटोटोनिक भी बोला जाता है। यह इसमें अस्थि पंजर अस्थियां विकसित होती हैं, यह हर एक चीज में अच्छा होता है मेसोमॉर्फिक वाला, स्वास्थ्य अच्छा, वदन फुर्तीला, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति, कठिनाई में अधिक सक्रिय रहता है। तीसरा इन्होंने बताया है सेल्डन ने एक्टोमॉर्फिक, जिसे लंबकाय अस्थि प्रधान संरचना कहते हैं, जिसको सेरेब्रोटोनिक भी बोला जाता है, प्रमस्तिष्क प्रधान, यह लंबा, दुबला, कमजोर, सुंदर, एकांत प्रिय, असामाजिक, अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मीसोमॉर्फिक, इसको पेशीय प्रधान संरचना भी कहते हैं, यानी कि यह मजबूत शरीर वाला होता है, मांसलता, तो पेशीय प्रधान जहां पे दिखे वहां पे आपका मेसोमॉर्फिक होगा, जहां अस्थि प्रधान दिखे, बोन डेंसिटी की बात हो, वहां एक्टोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मांसलता और ताकत, मांसलता और ताकत। नेक्स्ट है कृष्णकाय आकार यानी एक्टोमॉर्फिक क्या है, इसको अस्थि प्रधान भी कहते हैं, तो और वसा रहित होता है यानी दुबला पतला कमजोर होता है, सुंदर होता है, तो दुबला पतला यानी कि वसा रहित होता है, तो जहाँ वसा रहित दिखे, इसको आप हड्डी या वसा रहित दिखे, वहां पे एक आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा, मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित उत्तक, वसा युक्त हो जाएगा तो आपका एंडोमॉर्फिक हो जाएगा, कुल काया भार आपका हो जाएगा उसमें मेसोमॉर्फिक में। नेक्स्ट है किसी खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा के लिए निम्नलिखित में किसका विचार किया जाता है, तो किसी की शारीरिक रूपरेखा को आपको मेजर करना है तो उसका भार, उसका कद हम देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों एंडोमॉर्फिक यानी गोलकाय की पहचान क्या है, तो यह थुलथुला और मोटा होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिताएं पहली बार एस्ट्रोटर्फ यानी बनावटी सतह जो घास जैसी दिखलाई पड़ती है पर कहां आयोजित की गई, तो यह मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। जबकि भारतीय ओलंपिक ने ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में भाग लिया, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और वह भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है।
नेक्स्ट ओलंपिक आदर्श वर्ग सीटियस अल्टियस फोर्टियस में अल्टियस का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ओलंपिक आदर्श वर्ग सीटियस अल्टियस फोर्टियस जिसको कहते हैं फास्टर हायर स्ट्रांगर, तो हायर यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली, तो यहाँ अल्टियस का अर्थ हो जाएगा उच्चतर मतलब तो और ऊंचा। और चौथा जुड़ गया है आपका कम्युनिटर जिसका अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ चलना। नेक्स्ट है ओलंपिक के आदर्श वाक सीटियस अल्टियस फोर्टियस तेज दौड़ना ऊंचा उठना शक्ति भरपूर प्रयास करना का वाक्य किसने दिया है? दोस्तों इसकी रचना किया था हेनरी डिडॉन ने। नेक्स्ट है मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। यह आग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है। यह एक इंसुलिन क्या हार्मोन है। इंसुलिन जो है क्या कार्य करता है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। यानी जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। नेक्स्ट है व्यायाम किसके वजन में वृद्धि लाता है? तो व्यायाम जो है एड्रेनल ग्रंथि के वजन में वृद्धि लाता है। नेक्स्ट है किस रक्त कोशिकाओं में नाभिक केंद्र नहीं होता दोस्तों? तो किसमें नाभिक यानी केंद्रक नहीं होता है? तो रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन वह स्त्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है? एग्जोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको देखना है एड्रेनल ग्रंथी थाइमस ग्रंथी पिलियन ग्रंथी ये तीनों आपके अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड नलिका विहीन ग्रंथी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा लार ग्रंथी जो वाह स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो नलिका विहीन होती है वो हार्मोन्स स्रावित करती हैं जो अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती हैं। और वह स्रावी ग्रंथियां जो एग्जोक्राइन ग्लैंड होती है नलिका युक्त ग्रंथियां इसमें नलिकाएं होती हैं ये नलिका के द्वारा रक्त में नलिका के द्वारा स्रावित होती हैं ये एंजाइम स्रावित करते हैं। और एक और होता है मिक्स ग्लैंड जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही स्रावित होते हैं उससे कहते हैं पैंक्रियाज ग्रंथि। बस एक ही ऐसी ग्रंथि है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन संयोजक ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है? तो यहाँ पे अस्थि उपास्थि टेंडन तीनों आपके बने हुए हैं संयोजी ऊतक से यानी कनेक्टिव टिश्यू से। उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों माइक्रो चक्र को साप्ताहिक चक्र भी कहते हैं। तो ट्रेनिंग साइकिल तीन प्रकार का होता है ट्रेनिंग चक्र माइक्रो चक्र मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र जो होता है उसको ट्रेनिंग योजना भी कहा जाता है वह 2 से 12 माह का होता है। और मीजो चक्र जो होता है वो 3 से 12 माह का आपका होता है माइक्रो चक्र। और दूसरा होता है मीजो चक्र जो 3 से 6 सप्ताह का होता है जिसको अवस्थन चक्र या मध्यम चक्र भी बोला जाता है। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र जो 3 से 10 दिन का होता है यानी 1 सप्ताह तक का होता है इसलिए इसको साप्ताहिक चक्र भी बोलते हैं। ये सबसे छोटा चक्र होता है। नेक्स्ट है अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइक्रो चक्र को। नेक्स्ट है माइक्रो चक्र योजना किस सन में स्थापित हुई थी? तो इसका कोई कन्फर्म डाटा नहीं है इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षक का मुख्य लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है यह कथन किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो यह कथन जो है परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत को प्रकट करता है यह खेल प्रशिक्षक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों का निर्धारण करना। यह कथन किस सिद्धांत का है? तो यह कथन है परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत से। दोनों दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों एचिलीज टेंडनाइटिस, स्प्रेन, स्ट्रेन, ये सभी आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं, जबकि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है आपका घुटने के नीचे ओवर यूज इंजरी है। एचिलीज टेंडनाइटिस, एड़ी के जो टेंडन होती है उसको एचिलीज टेंडनाइटिस कहते हैं, वहां पे जो चोट लगता है उसको एचिलीज टेंडनाइटिस बोला जाता है। और स्प्रेन जो होता है लिगामेंट की चोट को स्प्रेन यानी मोच कहा जाता है, लिगामेंट के अत्यधिक खिंच जाने को। और स्ट्रेन जो होता है वो मांसपेशी और टेंडन में जो चोट लगती है अत्यधिक खिंच जाता है उसको स्ट्रेन बोला जाता है। लिगामेंट जो होता है आपका दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जो टेंडन होता है वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है स्पाइनल कॉर्ड से। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है दोस्तों? तो वह करता है स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है दोस्तों? यह प्रतिवर्ती क्रिया वह होता है कि तंत्रिका तंत्र शरीर को बड़े पैमाने पर अनैच्छिक चेतन अवस्था में निर्मित करती है, जैसे कि सांप को देखकर अचानक भाग जाना, धमाका सुनकर चौंक जाना, गर्म वस्तु छूने पर तुरंत हाथ हटा देना, ये सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जैसे दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होता है ये अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिबंधित दो प्रकार की होती हैं। जो अप्रतिबंधित होता है वो जन्म जात होता है, जैसे कि तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना, छिकना, खांसना, ये सब। और प्रतिबंधित में प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं वो हम नियमित प्रशिक्षण अभ्यास लर्निंग से सीखते हैं। जैसे प्रारंभ में इनका नियंत्रण जो है मस्तिष्क से द्वारा होता है और बाद में इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होने लगता है। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखना, टाइपिंग करना सीखना, तो साइकिल शुरुआत में आप सीखते हैं तो उसका संचालन मस्तिष्क करता है। जब आप सीख जाते हैं तो आप बात करते हुए या कुछ सोचते हुए या कुछ करते हुए भी चला लेते हैं, उसको मस्तिष्क को सोचने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपका वो हैबिट हो गया। तो उसका संचालन आप करता है प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है लंबे समय में गठिया के में व्यायाम तथा मालिश का सुझाव भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है, तो वह मिलता है आयुर्वेद। आयुर्वेद आपका औषधियों का वेद है ही। नेक्स्ट है निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायामों को भी करने का सुझाव देते थे, तो कौन वो चिकित्सक थे दोस्तों? वो थे हिप्पोक्रेटस, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इनका कहना था ये कैसे चिकित्सा में विश्वास करते थे कि मरीजों को इलाज भी करते थे, भोजन मालिश भी करते थे और थोड़ा उसको चलने या दौड़ने हल्के जैसे व्यायाम करने का सुझाव देते थे। नेक्स्ट है प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों व चिकित्सकों की रुचि गति विज्ञान विषय के प्रति थी, तो कौन ऐसा वैज्ञानिक चिकित्सक था किस देश के दोस्तों? तो यह यूनान देश प्रसिद्ध है सभी खोजों के लिए और चिकित्सा के लिए, और हिप्पोक्रेटस जो है यूनान के ही थे। नेक्स्ट है निम्न में किसको गति विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था, तो कौन था वो दोस्तों जो बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था? तो वो था हेरोडिकस। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः होता है,
तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। जो लंबी अस्थियां होती है, जो लंबी अस्थियों को खोखला भाग होता है उसी में अस्थि मज्जा होता है, उन्हीं से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन का संवहन करना। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को लेकर के समस्त शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का यानी संवहन करने का काम करता है। प्रति 100 ml रुधिर में 15 g हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य क्या है। तो यह रोगों से रक्षा करता है, रोगों से बचाव करता है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर देता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, इसमें लिम्फोसाइट जो होता है वह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट दोस्तों छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों छोटी आंत की लंबाई जो है वह 6.5 मीटर होती है, यानी यहाँ पे 22 फीट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड रेनिन नामक रस भोजन में विलय होते हैं। तो कहाँ पे दोस्तों, आमाशय यानी स्टोमस में। जो ही भोजन हम ग्रहण करते हैं तो मुख में जाता है, मुख में भोजन का पाचन टैलिन एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर यहाँ ग्रास नली आइसोफेगस से होते हुए आमाशय में जाता है। स्टोमच में आमाशय में इसको एचसीएल से मुलाकात होता है भोजन का, और गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाला एचसीएल से, और गैस्ट्रिक जूस से ही निकलता है आपका जठर ग्रंथि की से गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। गैस्ट्रिक जूस से एचसीएल एंड पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। तो जो पेप्सिन होता है आपका वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और जो रेनिन होता है दूध का पाचन करता है, दूध को कैसीन में बदलता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह पित्त रस के सहायता से वसा का पाचन करता है, वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ही गर्म यानी तेजाब जैसा होता है, यदि आप बाहर उसको निकाल के त्वचा पे रखेंगे तुरंत जल जाएगा। ये क्या करता है कि भोजन जो ही आमाशय में जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन से आए हुए जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देता है और भोजन को एकदम मथ देता है, और उसके बाद यहाँ पे इतना प्रोसेस होने के बाद जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जाते ही उसको मुलाकात होता है अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन से। तो छोटी आंत के पहले भाग, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम जोजिनम इलियम। तो डेडुनम वाले भाग में आपका अग्नाशय की नली जुड़ा होता है और पित्ताशय की नली जुड़ा होता है। तो डेडुनम वाले भाग में अग्नाशय से आने वाले जो एंजाइम होते हैं एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है पित्त रस के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है यानी वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन को पाचन करता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में, और इसका स्टोर कहाँ पे होता है, कहाँ पे स्टोर हो रहता है वह पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में। पित्त रस करता क्या है, वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट है यकृत का भार कितना होता है। तो यकृत जो है 1.5 किलोग्राम का होता है। एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है दोस्तों, तो 12 से 20 बार 1 मिनट में श्वास लेता है, लेकिन जब वो एक्सरसाइज या अभ्यास करता है तो 40 से 50 बार प्रति मिनट करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कितने जोड़े होते हैं।
तो दोस्तों जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है तो उसमें आपका मस्तिष्क से परिधीय तंत्रिका तंत्र में 43 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जिसमें से मस्तिष्क से 12 जोड़े और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं। तो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के कितने जोड़े निकलते हैं? तो 12 जोड़े। नेक्स्ट है मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो 31 जोड़े। ठीक है, इस प्रकार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं। दिमाग से निकलने वाले जिसे कॉर्निथल नाड़ी बोलते हैं 12 नाड़ियां निकलती हैं, 12 जोड़े। एंड स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नाड़ी जो है 31 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं। इस प्रकार कुल 43 जोड़े नाड़ियां होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 49 औंस होता है, यानी कि 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम तक, यानी 1450 ग्राम आपका होता है मस्तिष्क का भार। उसको औंस में हम कहेंगे तो 49 औंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक मिला है? तो इंदिरा गांधी को मिला है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, उसको दिया जाता है जो ओलंपिक के उत्थान में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है, बीएमआई क्या मापता है? तो दोस्तों बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, यह शरीर की वसा को मापता है। यानी दोस्तों बीएमआई से किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन का अनुपात पता चलता है, यानी कि आपका जो वजन है लंबाई के हिसाब से संतुलित और स्वस्थ ठीक है कि नहीं। बीएमआई निकालने का सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे कि दोस्तों आपको ये जानना है कि जो अगर आपका बीएमआई जो है WHO के क्लासिफिकेशन किया है कि जिसका बीएमआई 16 से 18 के बीच में होगा वो अंडर वेट में होगा, यानी कि उसको वेट गेन करने की जरूरत है, वो दुबला पतला में कमजोर की स्थिति में आ जाएगा, जिसमें उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, मसल्स ब्रेकडाउन आदि प्रॉब्लम आ जाएंगे। जिसका बीएमआई 19 से 22.9 के बीच में होगा वो वेरी गुड होगा, ऑल गुड होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि 22.9 से यानी 22 से ज्यादा आपका बीएमआई हो जाता है तो आप मोटापा की स्थिति में आने लगते हैं, ओवरवेट होने लगता है आपका, जिसमें आपको थकान, पाचन, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रोनिक डिजीज, जोड़ों में दर्द आदि हो जाते हैं। यानी कि 34 होने पर 34 आपका ओवरवेट में आ जाता है, जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों 22 जो है वर्ल्ड का सबसे वेस्ट बीएमआई रखा गया है, यानी 22.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसी को फिट माना जाएगा 22 जिसका बीएमआई होगा। नेक्स्ट है, OCOG क्या है? तो दोस्तों OCOG जो है वह ओलंपिक का आयोजन करने वाली मेजबान देश की संस्था है। तो दोस्तों ये आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज मैंने कराया, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, सभी डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।